हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग सभी का स्वागत है वाई फाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर मित्रों और कैसे हो सब लोग आप गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सबको गुड आफ्टरनून राधे राधे जय श्री कृष्णा और कैसे हो सब लोग बढ़िया हो आप लोग पानी अच्छी आप लोगों की गुड आफ्टरनून मित्रों गुड आफ्टरनून टॉपिक आपको पता ही होगा थंबनेल में बना हुआ है ज्वालामुखी पढ़ेंगे वलकेनो पढ़ेंगे अपन और बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा सवाल आपका गलत नहीं होगा अगर थोड़ा सा सिंसियर होके चैट पे कम ध्यान दोगे और पढ़ने पे फोकस करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आप लोगों के लिए राम राम सबको राम राम राधे 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 और सब बढ़िया हो ना आप चलो शुरू करते हैं वल शुरू करते हैं मित्रों आज अपन और इसमें से देखते हैं कुछ टर्म हैं सबको नवरात्रा की शुभकामनाएं और मित्रों सबसे पहले टॉपिक आपका है ज्वालामुखी ध्यान से समझना ज्वालामुखी जो आपका टॉपिक है तो इसमें सबसे पहले आपको यह देखना है कि ज्वालामुखी क्या होता है ज्वालामुखी और एक दूसरा वर्ड है आपका ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी क्रिया ये दो टर्म आपको समझनी है ज्वालामुखी क्या होता है और ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है तो आप बिल्कुल प्यार से समझना प्यार से देखना है आपको ये लेयर्स हैं पृथ्वी की मैंने लेयर्स बनाई ये लेयर्स बना दी और ये आपका मैग्मा चैम्बर है ये समझो ये मैग्मा चैम्बर है यहाँ पे मैग्मा भरा पड़ा है यहाँ से मैग्मा एक नली के माध्यम से एक नली के माध्यम से बाहर निकल रहा है धीरे धीरे बाहर निकल रहा है तो जब मैग्मा नली के माध्यम से बाहर निकलेगा तो मित्रों ऐसे वायुमंडल में ये इसका जब विस्फोट होगा तो वायुमंडल में ऐसे यह, ये क्या है गैस है इसके साथ में क्या क्या निकलेंगे कंकड़ निकलेंगे इसके साथ में क्या निकलेंगे थोड़े फत्ता निकलेंगे इसके साथ में क्या निकलेगी राख जिसको धूल बोल देते हैं डस्ट जो बोलते हैं धूल निकलेगी तो याद रखना गैस कंकड़ फत्थर राख धूल का विस्फोट के साथ बाहर निकलना विस्फोट के साथ बाहर निकलना विस्फोट के साथ बाहर निकलना बाहर निकलना याद रखना गैस है कंकड़ है फत्तर है राख है धूल है मैग्मा है इनका जलवाष्प है जलवाष्प है इनका विस्फोट के साथ बाहर निकलना आपका ज्वालामुखी कहलाता है जब याद रखना मैग्मा जो होता है गैस के साथ में राख के साथ में इनकी डस्ट के साथ में और जो आपके क्रिस्टल हैं कंकड़ पत्थर हैं उनके साथ में बाहर निकलता है विस्फोट के साथ में तो उसको क्या बोला जाता है ज्वालामुखी बोला जाता है यह आपको सिंपल तरीके से समझना है बिल्कुल आपको आ, समझ में आया होगा जो मैंने बोला जो याद रखना किसी भी चीज़ का विस्फोट के साथ में अगर कोई बाहर निकलती है तो सबके अलग अलग नाम होते हैं लेकिन धरातल के आंतरिक भाग से जब गैस है जलवाष्प है राख है धूल है आपके धुआं हैं कंकड़ हैं फत्तर है मैग्मा है जब यह विस्फोट के साथ में बाहर निकलता है तो इसको क्या बोलते हैं ज्वालामुखी बोलते हैं और ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है तो ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है मित्रों तो ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर ज्वालामुखी विस्फोट से लेकर लेकर शीतलन तक की प्रक्रिया शीतलन यानी कि ठंडे होने की प्रक्रिया ठंडे होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी ज्वालामुखी क्रिया कहलाएगी देखो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया में अंतर क्या है जब मैग्मा विस्फोट के साथ में गैस राख कंकड़ फत्थर आदि के साथ में बाहर निकलता है तो उसे बोलते हैं ज्वालामुखी और ये कंकड़ फत्थर गैस राख मैग्मा जब ये धरातल पर इस प्रकार से गिरने लग जाए धरातल पर इस प्रकार से गिरने लग जाएं, ये धरातल पर गिरने लग गए धरातल पर गिरने लग जाएं और धीरे 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 ठंडे होने लग जाएं, धीरे धीरे क्या होने लग जाएं? ठंडे होने लग जाएं, तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है ज्वालामुखी क्रिया बोला जाता है अब मैं आपको एक मानचित्र दिखाता हूं मित्रों एक मानचित्र आपको यह दिख रहा है पूरा मानचित्र आपको दिख रहा होगा तो देखो ये ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है ये पूरी आग निकल रही है इससे ये आपका लावा है ये पूरा का पूरा क्या है ये ये पूरा का पूरा आपका लावा है ये लावा है अब इस लावा के साथ में क्या निकल रहा है मित्रों लावा या मैग्मा मैग्मा धरातल के अंदर होता है और लावा धरातल के बार बनता है अर्थात मैग्मा को जब धरातल के बार आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं जब धरातल के अंदर होता है गर्म पदार्थ तो उसको मैग्मा बोला जाता है और जब ये मैग्मा धरातल के बाहर आ जाता है तो इसको क्या बोला जाता है लावा बोला जाता है अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना ये जो मैग्मा है इसके साथ में क्या आ जाए कंकड़ आ जाए फत्तर आ जाए गैस आ जाए गैस निकलती है धूल निकलती है धुआं निकले धुआं निकलती रहे धुआं निकले ठीक है ना तो जब ये विस्फोट के साथ में विस्फोट के साथ में ये चीजें बाहर निकलती हैं तो इसे क्या बोलते हैं मित्रों ज्वालामुखी बोलते हैं और जब ये मैग्मा जो आपको ये दिख रहा है ये धीरा धीरे धीरे ठंडा हो जाए ठंडा होकर इसका रंग हो जाएगा काला इसका रंग कैसा हो जाएगा काला काला रंग हो जाएगा और इसको ठंडा होने में लगेगा समय क्या लगेगा समय लगेगा ठंडे होने में इसको टाइम लगता है तो निकलने से लेकर और ठंडे होने तक का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है ज्वालामुखी क्रिया उसको क्या बोला जाता है ज्वालामुखी क्रिया क्लियर है क्लियर है यहां तक का मामला जरा बता देना एक बार भाई क्लियर है क्या ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया दोनों समझ में आ गई क्या ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है ज्वालामुखी क्या होती है अब मेरी बात को ध्यान से सुनना एक गाल के ऊपर जोर से रहपट मारना एक गाल के ऊपर जोर से थप्पड़ मारना तो जो थप्पड़ पड़ती है गाल के ऊपर समझ में और पढ़ते ही आपका रंग कैसा हो जाएगा लाल तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी और जब गाल आपका पुनः इस गाल के बराबर आ जाए दूसरे गाल के बराबर आ जाए लाल रंग कब खत्म होगा धीरे 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 आपका दर्द कम होगा धीरे धीरे आपका जो गाल है उसका लाल रंग धीरे धीरे कम होगा दूसरे गाल के बराबर आ जाएगा जिस इस गाल का रंग है वैसा ही इस गाल का रंग हो जाएगा मित्रों तो जब उसका धीरे धीरे रंग दूसरे गाल के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया तो सिंपल मैंने बताया जब गाल के ऊपर थप्पड़ पड़े और रंग लाल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ज्वालामुखी, और लाल रंग धूल धुआं राख के साथ, साथ बाहर निकले तो ज्वालामुखी और ये ठंडे होकर धरातल पर गिर जाए और एक ठोस रूप ले ले तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया अब तो सेट हो गया होगा मामला अब सेट गलत नहीं होगा ना अब क्लियर है क्लियर अब बात करेंगे कुछ टर्म है इनकी कुछ टर्म देखेंगे मित्रों वो टर्म आपको देखनी है एक डायग्राम आपको देखो ये दिख रहा होगा ये डायग्राम दिख रहा होगा इस प्रकार से है ना पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलकर धरातल के बाहर आता है और पूरा ऐसे ठोस ब्लैक कलर के जो काले रंग का पर्वत फटार पहाड़ पहाड़ों का निर्माण करता है चट्टानों का निर्माण करता है तो इनकी चर्चा भी अपन करेंगे इससे पहले आपको ये देखना है कुछ आपके महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इन फैक्ट्स को समझना ये जो फैक्ट्स हैं इन फैक्ट्स को समझने का प्रयास करना मित्रों जैसे ये आपका मैग्मा चैम्बर है यहाँ पे यह मैग्मा भरा पड़ा है ये मैग्मा भरा पड़ा है धरातल के आंतरिक भाग में ये मैग्मा चैम्बर है मैग्मा चैम्बर है अब आपको देखना है ध्यान से समझना है जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं इसको समझने का प्रयास करना मित्रों जिससे आपका सवाल गलत नहीं हो यह मैग्मा चैम्बर है यदि ये, ये मैग्मा भरा पड़ा हो भरा है यहां पे यह मैग्मा, मैग्मा। यदि और ये क्या है आपकी यह है नली ये क्या बन गई एक नली जिसको बोलते हैं पाइप पाइप बोलते हैं जब ये मैग्मा ये मैग्मा नली या पाइप अंग्रेजी में क्या बोल देंगे इसको पाइप नली या पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है मैग्मा नली या पाइप के बाहर न, माध्यम से बाहर निकलता है मैग्मा जब नली या पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है और ऐसे ज्वालामुखी को बोलते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाले उद्गार वाले ज्वालामुखी ज्वालामुखी तो सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करना जब मैग्मा जो मैग्मा है आपका जो मैग्मा है ये एक पाइप के माध्यम से एक नली के माध्यम से धरातल के बाहर निकलता है तो ऐसे ज्वालामुखी को बोला जाता है केंद्रीय उदगार वाला ज्वालामुखी क्या बोलेंगे केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी क्लियर दूसरी अगर मैं बात करूं आपके सामने मित्रों तो दूसरी अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने निकु मुझे बस थोड़ा सा मिटानना है तो कौन सा लू ये वाला ये वाला अब देखना यदि ये मैग्मा यदि ये मैग्मा नली के अलावा इस नली के अलावा यहां छोटी छोटी दरारों से निकले ऐसे दरारों से निकले यह दरार बना दी मैंने इन दरारों के माध्यम से निकलना प्रारंभ करे यदि मैग्मा ये दरार है इन दरारों से निकलता है दरार के माध्यम से निकले दरार से क्या निकले मैग्मा निकले तो इसको बोलते हैं मित्रों दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी दरारी उद्गार, उद्गार वाले ज्वालामुखी ज्वालामुखी तो याद रखना आपको केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार में अंतर समझ में आ गया होगा केंद्रीय उद्गार यानी कि जब मैग्मा मुख्य नली या पाइप के माध्यम से बाहर निकले तो उसे केंद्रीय उद्गार वाले बोलेंगे और जब यह मैग्मा दरारों के माध्यम से बाहर निकलता है तो इसको बोलेंगे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो दरारी उद्गार वाले होते हैं उनमें विस्फोट कम होता है विस्फोट क्या होता है कम होता है विस्फोट क्या होता है कम होता है और मित्रों ऐसे ज्वालामुखी से विनाश भी क्या होता है कम होता है लेकिन जो ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं इनमें विस्फोट सबसे ज्यादा होता है विस्फोट ज्यादा होता है प्लस लिखा मैंने और विनाश भी ज्यादा होता है विनाश का मतलब नुकसान भी क्या होता है ज्यादा होता है तो याद रखना जो ज्वालामुखी केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं उनमें विस्फोट आवाज़ ज़्यादा होती है जबकि दरारों से जो मैग्मा निकलता है उसमें विस्फोट आवाज़ कम होती है क्लियर है अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे पेट में आपने छाछ पी ली रायता खा लिया दूध पी लिया और आपने जूस पी लिया एक साथ और फिर आपको उल्टी हो रही है उल्टी हो रही है यदि वो उल्टी आपके मुख से बाहर निकलती है यदि उल्टी मुंह से बाहर निकले तो उसको बोलेंगे मित्रों केंद्रीय उद्गार वाले और वो उल्टी मुंह के अलावा आपके नाक से भी बाहर निकले आपके नाक से भी बाहर निकले तो जब नाक से निकलेगी तो उसको बोलेंगे दरारी उद्गार वाले क्या बोलेंगे उसको दरारी उद्गार वाले बोलेंगे ये आपको याद रखना है क्लियर समझ में आ गया दोनों में अंतर दरारी उद्गार वाले और आपका केंद्रीय उद्गार वाले दोनों में समझ में आ गया होगा जब आप अट्रम पट्रम खा लेते हो और उल्टी आपके मित्रों पेट में होती है पेट से उल्टी होगी और पेट से उल्टी जब होगी तो आपके मुंह से होगी यदि वो आपकी उल्टी मुख से बाहर आती है तो उसको बोलेंगे केंद्रीय उद्गार वाले और उल्टी नाक से बाहर आए तो उसको बोलेंगे दरारी उदगार वाले याद रखना उसको क्या बोलेंगे दरारी उदगार वाले क्लियर है ये ध्यान रखना सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा क्लियर तो नाक और मुंह याद रख लेना क्लियर है अब तो? तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा अब कुछ टर्म है उन टर्म को देखना है आपको ये जो नली होती है इस नली से ये इसका धरातल फटेगा और यहां एक मुंह बन जाएगा जो पानी का पाइप होता है तो पानी को अगर नल में लगा देंगे उस पाइप को तो दो मुंह होते हैं एक नल में लग जाएगा और एक मुंह से पानी क्या होगा बाहर निकलेगा तो धरातल में एक ऐसा मुख बन जाता है जिससे लावा बाहर निकलता है यदि ये मुंह ये क्या है मुख है जहां से ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा या मैग्मा बाहर निकलता है इस ये मुख जो होता है यदि ये छोटा होता है छोटा यदि छोटा होता है तो इसको बोलते हैं मार क्या बोलते हैं मित्रों इसको मार बोला जाता है इसको अंग्रेजी में भी मार ही बोलेंगे समझ में आए ना इसको क्या बोलेंगे मार बोलेंगे जो मुंह छोटा होता है उसको मार बोलेंगे और यदि ये मार हो जाए बड़ा यदि मार हो जाए थोड़ा बड़ा तो इसको बोलेंगे क्रेटर इसको क्या बोलेंगे क्रेटर बोला जाता है मित्रों क्रेटर बोलते हैं और क्रेटर और बड़ा हो जाए क्रेटर और बड़ा हो जाता है तो इसको बोलेंगे कोल डेरा क्या बोलेंगे इसको कोल डेरा बोलेंगे डेरा कोल डेरा बोलेंगे याद रखना ज्वालामुखी का जो मुंह जब छोटा होता है तो उसे मार बोला जाता है और जब मार हो जाए बड़ा तो उसे क्रेटर बोला जाता है जैसे से फॉर एग्जाम्पल जैसे हिस्ट्री वाले गुरु जी आपके प्रवीण डेवा जी समझ में है ना प्रवीण डेवा जी जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं उनका मुंह क्या छोटा मुंह है छोटा मुंह उनका मुंह इतना सा है इतना सा मुंह है छोटा सा मुंह है उनका उनसे खाना भी नहीं खाया ज्यादा ढंग से प्रॉब्लम है इधर टांके लगे हुए हैं उनके ठीक है ना तो इतना सा मुंह है प्रवीण सर का छोटा मुंह तो बोल देना प्रवीण सर है मार कैसे है मार। सर के अभी टाके खुल जाएंगे मुंह हो गया इतना बड़ा इतना बड़ा मुंह हो गया तो उसको बोलेंगे क्रेटर और प्रवीण सर का मुंह जैसे बड़े राक्षस के समान हो जाए और बहुत बड़े राक्षस के समान हो जाए तो फिर बन जाएगा वो कोलडेरा क्या बन जाएगा कोल डेरा तो वर्तमान में जैसे सर का छोटा सा मुंह पहला इतना सा मुंह था फिर प्रवीण सर का मुंह हो गया इतना बड़ा और फिर प्रवीण सर का मुंह हो गया मार इसको बोलेंगे क्रेटर और इसको बोलेंगे मित्रों डेरा क्या बोलेंगे कोल डेरा यह डेरा है समझ में आ रहा होगा अब तो समझ में आया ना हाँ रावण बिल्कुल अभी तो रावण सुमित्र का बड़ा है क्या चलो मार क्रेटर कोलडेरा ये एग्जाम में याद रखना परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट जिस मुख से होता है उस मुख का क्रम क्या है सही सीक्वेंस क्या है तो याद रखना मार क्रेटर कोलडेरा मार क्रेटर कोलडेरा आज आपकी खैर नहीं है बिल्कुल खैर नहीं है क्योंकि प्रवीण सर को पता लगेगा समझ में है ना प्रवीण सर को पता लगेगा तो प्रवीण सर लठ लेके मेरे पीछे भगेंगे वो आगे आगे मैं पीछे पीछे या लठ लेके वो आगे रहेंगे मैं पीछे रहूंगा या मैं आगे रहूंगा वो मेरे पीछे रहेंगे कौन सा वाला मामला सेट रहेगा तो ये याद रखना मित्रों समझ में आ गया होगा मार क्रेटर कोल्डेरा क्या होता है मार क्रेटर कोल्डेरा क्या होता है जब इसमें वर्षा का पानी भर जाए वर्षा का जल वर्षा का जल भर जाता है मित्रों तो एक झील का निर्माण होता है झील का निर्माण होता है अगर यह झील छोटी है तो उसे मार लेक बोलेंगे यदि झील बड़ी हो जाए तो उसको क्रेटर लेक बोलेंगे और सबसे बड़ी झील को कोलडेरा बोलेंगे कोलडेरा लेक बोलेंगे तो यह आपको याद रखना मार लेक क्रेटर लेक कोलडेरा लेक समझ में आ गया होगा मार लेक क्या होती है क्रेटर लेक क्या होती है और कोलडेरा लेक क्या होती है क्लियर क्लियर है तो याद रखना ये आपके टर्म है इन टर्मों को याद रखना क्या क्या है ये? मार क्रेटर कोलडेरा अच्छे से समझ में आ गया होगा दरारी उद्गार क्या होता है केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी क्या होता है शेर भी कर दो यार क्या कर रहे हो 170 बच्चे होते हैं यार क्या कर रहे हो यार ये चलें अब अब याद, अब याद रखना अब आगे की मैं बात करूंगा ज्वालामुखी विस्फोट से याद रखना ज्वालामुखी विस्फोट से ज्वालामुखी विस्फोट से क्या क्या चीज निकलती है विस्फोट से क्या क्या चीज निकलती है उन चीजों को देखना है मित्रों जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कौन कौन सी चीजें निकलती हैं? तो देखो एक तो निकलती है धूल क्या निकलती है धूल धूल के साथ में क्या धूल को क्या भी बोल देते हैं राख जब धूल और राख निकले तो ज्योग्राफी की लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है टफ उसका नाम क्या है टफ याद रखना जब धूल और राख निकले तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों उसे टफ बोला जाता है यदि मटर के समान दाने निकले मटर जैसे दाने चट्टानों के मटर जैसे दाने निकले दाने मटर जो होता है ना छोटे छोटे जैसे इस खाने के मटर होते हैं ऐसे दाने कंकड़ों के कंकड़ जिनको बोल देते हो ऐसे दाने निकले मटर जैसे तो उसे मित्रों लैपेली बोला जाता है क्या बोला जाता है लैपेली? लैपेली बोला जाता है क्या बोला जाता है लैपेली बोला जाता है मटर जैसे दानों को और यदि अखरोट या आंवले जैसे दाने निकले अखरोट जानते हो ना खाने वाली अखरोट या आंवले बचपन में कंची खूब खेली होगी आंवले जैसे दाने जैसे दाने निकले तो उसे बोला जाता है ब्रेशिया क्या बोला जाता है उसको ब्रेशिया बोला जाता है ब्रेशिया जैसे ऐसे दाने निकले ऐसे दाने इतने बड़े बड़े दाने निकले चट्टानों के तो उसे क्या बोलेंगे ब्रेशिया बोला जाता है और यदि आलू जैसे निकले आलू जैसे टुकड़े निकले चट्टानों के आलू जैसे टुकड़े निकले तो उसे बोला जाता है बम्ब क्या बोला जाता है उसे बम्ब यानी कि इतने बड़े बड़े निकले तो उसको क्या बोला जाता है बम्ब बोला जाता है यह आपको याद रखना है क्लियर है क्लियर है क्या तो याद रखना जब धूल और राख निकलती है तो उसे टफ बोला जाता है मटर जैसे दानों को लेपेली बोला जाता है अखरोट जैसे दानों को ब्रेशिया बोला जाता है आलू जैसे दानों को बम बोला जाता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्रम क्या है सही क्रम क्या है तो याद रखना टफ से बड़ा होता है लेपेली होता है लेपेली से बड़े क्या होते हैं ब्रेशिया होता है लेपेली से बड़ा क्या होता है ब्रेशिया होता है और ब्रेशिया से बड़ा क्या होता है बम होता है ये आपको याद रखना है ये क्रम आपको याद रखना है क्लियर है क्लियर है क्या ये एग्जाम में आपसे क्रम पूछेगा कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों का सही क्रम क्या है तो याद रखना टफ है लेपेली है ब्रेशिया है और बम्ब है क्लियर है अब अंग्रेजी में भी यही बोलेंगे इनको टफ लैपेली ब्रेश और बम्प और हिंदी में भी मेरे मित्रों यही बोलेंगे ये यह आपको याद रखना है क्लियर अब बात करें अपन जैसे ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ यहां से ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ यह इसका मुख है ये इसका क्या है मुख है यानि कि ज्वालामुखी मुख बोलते हैं इसको ज्वालामुखी विस्फोट का ज्वालामुखी विस्फोट का मुख बोलते हैं इसको मुख अगर इस मुख में कंकड़ फत्तर, आदि से आदि से अवरोध आ जाए अवरोध उत्पन्न हो जाए या मैं बोल दूं इसमें डाट लग जाए क्या लग जाए डाट लग जाए डाट डाट लग जाती है यानि कि अवरोध कोई डाट बोलते हैं अवरोध लग जाए या डाट लग जाए मित्रों जब मुख बंद हो जाए जैसे आपका जो मुंह है यदि आपका ये आपका मुंह है यह आपका मुंह है इसमें ये दांत लगे हुए हैं आपके ये दांत लगे हुए हैं और यदि इस मुख को मैं टांकों से ऐसे सील दूं, टांके लगाकर सील दूं, तो आपका मुंह क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा और ऐसे मुख को क्या बोला जाता है मित्रों ऐसे मुख को डाइट्रम बोला जाता है क्या बोला जाता है डाइट्रम डायट्रम बोला जाता है यह आपको याद रखना है तो जब ज्वालामुखी मुख में कंकड़ पत्थर का अवरोध आ जाए या कंकड़ पत्थर जम जाए ज्वालामुखी मुख के ऊपर कंकड़ पत्थर जम जाए और ये मुख इसका बंद हो जाए ये मुख क्या हो जाए बंद हो जाए क्लोज हो जाए तो क्लोज जब हो जाएगा तो इसको बोलेंगे डाइट्रम क्या बोला जाएगा इसको डाइट्रम बोला जाएगा ये आपको याद रखना है समझ में आए ना ये आपको याद रखना है तो डाइट्रम क्या होता है समझ में आ गया होगा जब मुख को या जो आपका मुंह है इसको टांकों से सील दे तो आप बोल नहीं पाओगे आपका मुंह है ना बिल्कुल पैक हो जाएगा और जब पैक हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है डाइट्रम बोला जाता है ये आपको याद रखना है क्या बोलेंगे इसको डायट्रम क्लियर है क्लियर है क्या चले आगे अब मित्रों बात करेंगे ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप हैं दो रूप हैं ज्वालामुखी क्रिया के कितने रूप हैं दो रूप हैं और दो रूप आपके कौन कौन से हैं एक धरातल के अंदर धरातल के अंदर ज्वालामुखी की क्रिया होती है धरातल के अंदर ज्वालामुखी क्रिया और एक होती है धरातल के बाहर, धरातल के बाहर, ज्वालामुखी की क्रिया मेरी बात को समझना जैसे आपकी बॉडी है ये बॉडी है ये जैसे मैंने ये कोई आदमी बना दिया ये कोई इंसान है ये कोई इंसान है और इस इंसान के धड़ बना दिया ये धड़ है इसकी ये टांग है ये मैंने टांग बना दी ये इसकी टांग है ये बिचारे के इसके हाथ हैं छोटे छोटे से ये हाथ लगा दिए ये इसके कान लगा दिए ये इसके बाल लगा दिए ये एक इंसान बना दिया अगर इस इंसान के इंटरनल किसी भाग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको दिखेगी नहीं वो जैसे इसकी किडनी खराब हो जाए किडनी तो किडनी आपको दिखेगी क्या आपको किडनी खराब हो जाए तो दिखेगी थोड़ी इसके लीवर में प्रॉब्लम आ जाए और किसी इसके दिल में कोई प्रॉब्लम आ जाए या इसके पेट में और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो आपको दिखेगी नहीं समझ में आए ना क्यों क्योंकि शरीर के अंदर है तो जब ज्वालामुखी क्रिया अंदर होती है तो आपको दिखती नहीं है और जब इसके बाहर यहाँ गाल के ऊपर यहाँ पे कोई चीरा लग जाए बहुत बड़ा चीरा लग जाए तो ये चीरा आपको दूर से दिखेगा आपको चीरा क्या होगा दूर से दिखेगा किसी के शरीर के ऊपर बाहर कोई आपके चोट लग जाए तो वो चोट आपको दिखने लग जाएगी लेकिन अंदर कोई चोट लगी हुई होती है उसका आप दर्द महसूस करते हो उस चोट को आप देख नहीं पाते हो तो जब ज्वालामुखी क्रिया धरातल के अंदर होती है तो आपको दिखाई नहीं देती है और जब ज्वालामुखी क्रिया धरातल के बाहर होती है तो वो केवल दिखाई देती है तो धरातल के अंदर ज्वालामुखी जो क्रिया होती है वो किस किस रूप में होती है जो मैग्मा होता है ये मैग्मा है और ये मैग्मा धरातल के बाहर नहीं निकल पाता और धरातल के अंदर ही इसका क्या होता है जमाव होता है जब मैग्मा का जमाव धरातल के अंदर होता है तो ये अनेक इसकृतियाँ बनाता है अश्तलाकृतियाँ बनाता है स्थलाकृतियों का निर्माण करता है और कौन कौन सी ऐसी इसलाकृतियाँ हैं जिनका निर्माण करता है तो मित्रों एक है फेंकोलिथ एक है आपके फेंकोलिथ है एक आपके लेपोलिथ है एक आपके बैथोलित है बैथोलित है एक आपके लैकोलित है लैकोलित है एक आपके सील है एक आपके डाइक है ये सारी धरातल के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी के मैग्मा से जमने से जो स्थलाकृतियां है, बनती हैं, उनका नाम है उनका नाम है ये आपको याद रखना है धरातल के अंदर जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है तो ये इसकृतियाँ बनाता है फैकोलित लेपोलिथ बैथोलित लेकोलिथ सील और डाइक ये क्या होती है मैं आपको समझा दूंगा डोंट वेरी ठीक है और जब मैग्मा बाहर आ जाता है मैग्मा धरातल के बाहर मैग्मा धरातल के बाहर आ गया तो मैग्मा जब धरातल के बाहर आएगा तो उसको बोलते हैं लावा क्या बोलेंगे उसको लावा बोलेंगे और जब धरातल के बाहर होगी तो क्या क्या चीजें निकलेंगी गैस निकलती है और क्या निकलती है <coughs> जलवाष्प निकलती है यह आपको ध्यान रखना तो ज्वालामुखी क्रिया से जो सबसे ज्यादा निकलती है वो क्या निकलती है जलवाष्प निकलती है यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि ज्वालामुखी क्रिया से सबसे ज्यादा कौन सी चीज निकलती है तो जलवाष्प निकलती है और लगभग 60 से 90 प्रतिशत क्या होती है जलवाष्प की मात्रा होती है यह आपको याद रखना है इसके अलावा कंकड़ फत्थर बहुत सारी चीजें हैं वो निकलती हैं तो यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा क्लियर है क्लियर है क्या क्लियर है यहां तक का मामला ये सारी इस्तलाकृतियां मैं बता दूंगा क्या है फैकोलित कैसे बनेगी लैपोलित कैसे बनेगी बैथोलित कैसे बनेगी लैकोलित कैसे बनेगा सील क्या होता है डाई क्या होता है क्लियर है ना ये तो तो सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी से निकलता है वो क्या निकलती है जलवाष्प निकलती है ये या आपको याद रखना है जलवाष्प निकलती है ये या आपको याद रखना मैग्मा धरातल के अंदर और यही मैग्मा धरातल के बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा लावा बनेगा अब परीक्षा में आपसे क्वेश्चन क्यूं पूछेगा निम्न में से कौन सी स्थलाकृति मैग्मा के धरातल के आंतरिक भाग के जमने से बनती है तो इनके अलावा कोई भी स्थलाकृति नहीं बनती यह आपको याद रखना है बैथोलिथ फैकोलिथ लेकोलिथ सील और डाइक यह आपको याद रखना है यह धरातल के आंतरिक भाग में बनने वाली स्थलाकृतियां हैं समझ में आ गया होगा यहाँ पे अब आगे की बात करेंगे ये कैसे बनती है क्या क्या चीजें होती हैं इनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे मित्रों तो ये आपको याद रखना है फैकोलित क्या होता है लेपोलित क्या होता है बैथोलित क्या होता है सील क्या होती है डाइक क्या होती है एक ही मिनट में सारा समझ में आ जाएगा ये देखो ये गुम्मद आकार है तो धरातल के आंतरिक भाग में धरातल के आंतरिक भाग में बैथोलित यह कैसा होता है गुम्मद नुमा होता है गुम्मदनुमा होता है याद रखना यह देखो डूम गुम्मद नुमा है और यह विशाल आकार का होता है कैसे आकार का होता है विशाल आकार का होता है तो याद रखना धरातल के आंतरिक भाग में मैग्मा जब विशाल या बड़े गुम्मद नुमा आकार में जमा हुआ हो तो उसे बैथोलित बोला जाता है क्या बोला जाता है उसे बैथोलित बोला जाता है ये आपको याद रखना है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैथोलित क्या होता है तो बैथोलित में आपको लिखना है कि धरातल के आंतरिक भाग में मैग्मा का विशाल गुम्मद नुमा जमाव बैथोलित कहलाता है ये आपको याद रखना है बैथोलित क्या होता है धरातल के आंतरिक भाग में मैग्मा का विशाल गुमद नुमा जमाव बैथोलित कहलाता है अब यहाँ से बैथोलित से मैग्मा निकलना प्रारंभ करेगा यदि ये मैग्मा धरातल के आंतरिक भाग में इस प्रकार से क्षैतिज जम जम जाए इस प्रकार से क्षैतिज जम जाए क्षैतिज कैसे जमे क्षैतिज क्षैतिज जमे छतिज जमाव मैग्मा का जब जमाव होता है तो इसको क्या बोला जाता है सील बोला जाता है क्या बोला जाता है सील सील आप सब जानते हो सील जो होती है मित्रों आप चाहे कोई भी पीपा ले लो कोई ढक्कन ले लो कोई भी ले लो सील जो लगी हुई होती है वो क्षेत्रिज होती है आप बोलते हो ना मुझे सील पैक चाहिए किसी भी चीज के लिए आप कोई भी वस्तु मांगते हैं तो आप बोलते हो खुली हुई है या सील लगी हुई है आप पेपर लेते हो आप जब यूपीएससी का एग्जाम देगा तो पेपर आपका सील पैक आता है आप बोलते हो साहब मेरी तो पेपर की सील खुली हुई थी और कोई बोलते हैं मेरा पेपर तो सील पैक था सील पैक सील कैसे लगी हुई होती है ऐसे छतिज लगी हुई होती है तो धरातल के आंतरिक भाग में मैग्मा का जब क्षेत्री जमा होता है तो उसको सील बोला जाता है और सील अंग्रेजी का ही वर्ड है याद रखना जब मैग्मा धरातल के आंतरिक भाग में इस प्रकार से लंबवत जमे इस प्रकार से लंबवत जमे इस प्रकार से नली के लंबवत जम जाए तो ऐसे जम जाए तो इसको बोलेंगे डाइक क्या बोलेंगे इसको डाइक बोला जाता है और डाइक कैसा होता है लंबवत जमाव होता है लंबवत जमाव लंबवत जमाव को क्या बोलेंगे डाइक बोला जाता है यह आपको याद रखना और जो मैग्मा धरातल के आंतरिक भाग में धरातल के आंतरिक भाग में मित्रों लहर नुमा आकार में जमे ऐसे लहर नुमा आकार में जमे ऐसे लहर नुमा आकार में जमे तो उसको बोलते हैं फैकोलित फै क्या बोलते हैं उसको फैकोलित और फैकोलित कैसा होता है लहर नुमा मैग्मा का लहर नुमा क्या कहलाता है फैकोलित कहलाता है आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कभी आप ऑडियो भेजते हो तो ऑडियो को देखना उसमें एक ऐसे फ्रीक्वेंसी चलती है जितना तेज बोलेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ऊपर जाती है स्लो बोलने पर वो नीचे आ जाती है अपन वो फेंकता रहता है और ये आपके यहाँ इस प्रकार से एक आपको लहर दिखती रहती है तो मैग्मा का धरातल के आंतरिक भाग में लहर जमाव क्या कहलाएगा फैकोलित कहलाएगा यह आपको याद रखना है अब दो वर्ड आपको समझने हैं एक वर्ड है मित्रों आपका लैपोलित। एक वर्ड आपका लैकोलित। लिथ अब इन दोनों का आकार एक का आकार होता है गुम्मद नुमा और एक का आकार होता है तस्त्री नुमा तस्त्री नुमा जो प्लेट होती है ना उसके आकार का होता है तो देखो इसमें ल और इसमें भी कॉमन है लेकिन इसमें प है और इसमें क है इसमें ग है और इसमें त है अब आपको समझना है तो देखो, देखो पो और क तो सबसे पहले हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उसमें क्या आता है क आता है और इधर भी देखो ये व्यंजन है इसमें सबसे पहले क्या आएगा व्यंजन में देखें तो ग आएगा तो याद रखना जो वर्ड पहले आता है उसको पहले के साथ में मिला दो और जो वर्ड बाद में आता है उसको बाद में के साथ बाद वाले के साथ मिला दो तो देखो लैकोलिथ और लैकोलिथ में लै ले, ले तो दोनों में कॉमन है ये लेकिन यहाँ पे पे आ रहा है और यहाँ पे कै आ रहा है तो कै पहले आता है तो इसमें भी देखो गुमद नुमा और तस्त्री नुमा तो बताओ गै पहले आएगा तय पहले आएगा तो गै पहले आएगा तो लेकोलिथ का आकार होता है गुमद नुमा और का आकार होता है, तस्त्री समझ में ना तो अब बस इतना सा याद रखना है आपको जो धरातल के आंतरिक भाग में जो धरातल के आंतरिक भाग में धरातल के आंतरिक भाग में तस्त्री नुमा जमता है ऐसे प्लेट नुमा आकार में अगर मैग्मा का जमाव हो जाए प्लेट नुमा आकार में मैग्मा का ऐसे जमा हो जाए तो यह कैसा आकार है तस्त्री नुमा नुमा है और तस्त्री नुमा आकार इसको क्या बोला जाता है तस्त्री नुमा आकार को बोला जाता है मित्रों ले इसको क्या बोला जाता है लेपोलिथ बोला जाता है यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह धरातल के गहराई में बनता है और उसके बाद में यदि ये धरातल आ गया आपका ये धरातल आ गया यह धरातल है और यहां से ये विस्फोट हो गया ये भयंकर विस्फोट हुआ ये इसका मुख है ये इसको क्या बोलेंगे पहले बोलेंगे मार फिर बोलेंगे इसको क्रेटर बड़ा होने पर और फिर बोलेंगे इसको कोलडेरा क्या बोलेंगे कोलडेरा बोलेंगे समझ में आए ना अब क्या होगा मित्रों ये धरातल के ठीक नीचे धरातल के ठीक नीचे यदि जो मैग्मा है धरातल के ठीक नीचे जो मैग्मा है यदि वो गुम्मद नुमा आकार में ऐसे जम जाए गुमद नुमा आकार में ऐसे जम जाए लेकिन ये आपको क्या करे दिखाई न दे गुम्मद नुमा आकार में ऐसे जम जाए और दिखाई न दे ये गुम्मद नुमा आकार है तो इसको बोलेंगे लैकोलिथ क्या बोलेंगे लैकोलिथ बोलेंगे लैकोलिथ धरातल के ठीक नीचे होता है धरातल के कहा होता है ठीक नीचे लेकिन इसका आकार कैसा है मित्रों इसका आकार है गुम्मद नुमा इसका आकार कैसा है गुम्मद नुमा यह धरातल के ठीक नीचे होता है अब आप समझ में आ रहा होगा आप पूछ रहे होंगे, सर बैथोलिथ और लैकोलिथ में अंतर क्या है ये बड़ा होता है वो छोटा होता है ये गहराई में बनता है वो धरातल के ठीक नीचे बनता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा धरातल के आंतरिक भाग में यानी कि अधिक गहराई पर विशाल गुम्बद नुमा आकार बैथोलित कहलाता है दूसरा क्वेश्चन पूछेगा धरातल के ठीक नीचे आकार क्या कहलाएगा, कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कहलाएगा क्लियर है तो ये करती स्थलाकृतियां आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी क्लियर है ये सारी स्थलाकृतियां समझ में आ गई आपको बैथोलित क्या होता है सील क्या होता है डाइक क्या होता है तो याद रखना जो क्षैतिज होगा उसे सील जो लंबवत होगा उसे डाइक जो विशाल गुम्बद नुमा होगा उसे बैथोलित जो धरातल के ठीक नीचे होगा गुम्बद नुमा उसे लेकोलिथ धरातल के आंतरिक भाग में जो तस्त्री नुमा होगा उसे लेपोलिथ बोला जाएगा क्लियर है चौधरी साहब अरुण इंग्लिश में भी यही नाम है इनके इंग्लिश में भी यही नाम है मेरे भाई और अगर मैं अंग्रेज होता तो आज यूरोप में होता मैं भी या नहीं होता आपके सामने ये अंग्रेजी के सारे नाम है बैथोलित लैकोलित सब अंग्रेजी के नाम है ये क्लियर है यहाँ तक आपको किसी भी चीज की कोई समस्या आई हो जो मैंने समझाया और आपको समझ में नहीं आया तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं पूरा का पूरा ये सारी एक एक चीजें है ना आपको समझना है तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी धरातल के आंतरिक भाग में बड़ा गुम्मद नुमा विशाल गुम्मद नुमा बैथोलित कहलाएगा जबकि धरातल के आंतरिक भाग में तस्त्री नुमा लपोलिथ कहलाता है या अंग्रेजी के वर्णों को याद रखना जबकि धरातल के आंतरिक भाग में मैग्मा का जो लहर नुमा जमाव होता है वो फेंकोलित कहलाता है अपन गांव में बोलते हैं वो फेंक रहा है मैं ऐसे लपेट रहा हूँ ऐसे ही ला रहे हैं देखो लहर बनाते हैं अपन वो फेंकता रहता है मैं लपेट रहा हूँ ऐसे बोलते हैं अपन अपन अमूमन ये लैंग्वेज यूज कर लेते हैं व्हाट्सएप पे देखो जो आपके वो कोई वीडियो होता है ऑडियो होता है उसमें एक फ्रीक्वेंसी चलती रहती है इस प्रकार से एक लहर चलती है जितना ऊंचा बोलता है उतनी तेज बोलेगा तो ऐसे लहर चलती है समझ में आए ना तो मैग्मा जब लहर नुमा आकार में जमता है तो उसे फेंकोलिथ बोला जाता है और जब धरातल के ठीक नीचे गुम्बद नुमा आकार में जमेगा तो उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे लैकोलिथ अब क्या होता है कुछ समय बाद में साल दो साल पांच साल दस साल बीस साल पचास साल बाद में इस धरातल का अपर्दन हो गया यहां से इसका अपर्दन हो गया और जैसे इसका अपर्दन होगा तो अपर्दन से क्या होगा ये यह भाग यहां से हट जाएगा ये भाग इसका हट जाएगा और ये भाग आपको दिखाई देने लग जाएगा ये धरातल के ऊपर दिखाई देने लग जाता है जब ये धरातल के ऊपर ऐसे अपर्दन से ये दिखाई देने लग जाए तो मित्रों पुनः अपर्दन से दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं क्वेस्टा इसको क्या बोला जाता है क्वेस्टा बोला जाता है ये आपको याद रखना है इसे क्या बोला जाता है क्वेस्टा बोला जाता है कि जब धरातल के ठीक नीचे जो गुम्मद नुमा जमाव होता है और उसके ऊपर धरातल का अपर्दन हो जाए नदी या हवा उसका अपर्दन कर ले और नीचे वाला भाग जो नीचे जमाव है वो दिखाई देने लग जाए गुम्मद नुमा जमाव बाहर दिखाई देने लग जाए धरातल के बाहर तो उसे क्वेस्टा बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको क्वेस्टा अपर्दन का इरोजन होता है या वैदरिंग समझ में आए ना वैदरिंग होता है वैदरिंग तो ये याद रखना जैसे कोई नदी आई यहां से कोई नदी बह रही थी और उसने इस धरातल के भाग को काट दिया और काटने के बाद में जो नीचे की स्थलाकृति है वो दिखाई देने लग गई और जैसे नीचे की स्थलाकृति दिखाई देने लग जाए यानी कि गुम्मद नुमा जमाव धरातल के बाहर दिखाई देने लग जाए आपको अपनी आंखों से दिखने लग जाए ये एक भी स्थलाकृति वैसे दिखती नहीं है लेकिन जब ये धरातल के बाहर दिखने लग जाती है तो यही लैकोलिथ आपका क्या बन जाता है क्वेस्टा बन जाता है ये आपको याद रखना है क्लियर है क्लियर है बच्चों यहां तक का मामला सेट है तो ये आपको याद रखना है आज तक की जो मैंने अभी तक की जो चीजें बताई है ये सारा आपका क्लियर हो गया होगा इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा सेट है मामला पूरा सेट है तो मित्रों फिर मैं बोल रहा हूं जो विद्यार्थी प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत सुनहरा अवसर है प्लस कोर्स के लिए और आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लस कोर्स जो आप देख सकते हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले विश ऑल द बेस्ट सभी को राम राम कल मिलते हैं बाय